हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, सोलर से लोग खुश क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सोलर मत लगवाइए आप, मैं लगवा के पछता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट फ्रेंड इसके पीछे के रीज़न हम जानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की होगी तभी वो खुश नहीं है इस चीज़ से। देखिए, पहली चीज़ हम 60 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, में एंड तक बने रहना है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितने यूनिट बिजली देगा, ये तो सब जानते हैं कि 4 से 5 यूनिट 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम देता है, बट वास्तव में कितना देगा ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। बहुत डिटेल प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। साथ ही 150 Ah की बैटरी कितना बैकअप देगी। देखिए फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि 150 Ah की बैटरी लगभग 1.8 यूनिट पूरी लेती है, बट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या सोलर सिस्टम से बिजली का बिल जीरो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्रिड कनेक्शन कटवा दूं, मैंने सोलर लगा लिया है। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम से अधिकतम कितना आउटपुट ले सकते हैं, कि जो मेरा सिस्टम है मैंने इतने वाट का सोलर सिस्टम लगाया तो मुझे कितना आउटपुट मिलना चाहिए। मेरे सिस्टम सोलर सिस्टम से का आउटपुट अधिकतम कैसे ले, हमारा जो भी सोलर सिस्टम है उसमें अधिकतम आउटपुट लेना है, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा। क्या सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जी हाँ रियली लगवाना चाहिए। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड एक एक क्वेश्चन पर। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितने यूनिट बिजली देगा। देखिए फ्रेंड, सीधा सा मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, क्योंकि जो सोलर पैनल होते हैं वो आउटपुट तभी देते हैं या तो आप बैटरी चार्ज करोगे या आप लोड चलाओगे, या तो आप लोड चलाओगे या दूसरी चीज़ आप बैटरी चार्ज करोगे। अगर इन दोनों में से अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं की, न तो आप लोड चला रहे हो ना बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो सोलर पैनल कोई भी आउटपुट नहीं देगा। अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगा रखा है और आप दिन में लोड नहीं चला रहे हो या बैटरी चार्ज नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको आउटपुट 0 यूनिट मिलेगा। सबसे बड़ी समझने की बात है, यही लोग धोखा खाते हैं कि हमने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो लगा दिया, उसके साथ एक छोटी सी बैटरी लगाएंगे तो बैटरी सुबह ही फुल चार्ज हो जाएगी, उसके बाद हम ऑफिस चले जाएंगे या फिर अपने काम पे चले जाएंगे तो हमारे घर पे लोड बहुत ही कम चलेगा, तो उससे हमारी एनर्जी यूज़ ही नहीं हो पाती। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखो, ताकि दिन में अगर हम मान लो लोड भी नहीं चला रहे हैं तो जो एनर्जी सोलर से आ रही है वो बैटरी में स्टोर हो जाए और जिसको बाद में हम रात को यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि सोलर सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आपको बड़े से बड़ा बैटरी बैंक लगाना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर की हो गई होगी कि बैटरी की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। जैसे कि मान लो पानी की टूटी में पानी आ रहा है, अब मान लो वहाँ पे कोई भी टूटी नहीं लगी हुई है, तो देखिए अगर पानी अगर आप यूज़ नहीं करोगे, मान लो इकट्ठा नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक पानी का टैंक बना लें घर में और जब भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो उस टैंक में डाल दें नलकी को पानी, ताकि उसमें स्टोर हो जाएगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। तो इसी प्रकार बैटरी भी वही काम करती है, एक पानी के टैंक की तरह। तो बड़े से बड़ा बैटरी बैंक यूज़ कीजिए, जब भी आप एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे तो उसमें स्टोर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आप फुल बड़ा बैटरी बैंक रखोगे तो आराम से आपको 3 से 4 या 5 यूनिट आराम से मिल जाएगी 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 Ah की बैटरी कितना बैकअप देगी। देखिए सीधा मैं बता देता हूँ कि अगर 150 Ah की बैटरी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वाटेज आ जाएगा 1.8 यूनिट वो बिजली लेती है, या उससे ज़्यादा भी ले सकती है, 1.8 से 2 यूनिट तक वो फुल चार्ज होने में लेती है। वापस देगी हमें लगभग 1 से 1 यूनिट या उससे थोड़ा ज़्यादा दे सकती है, मतलब 1 यूनिट के लगभग देती है, क्योंकि हमें उसमें 30% चार्ज स्टोर करके भी रखना होता है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि फ्रेंड देखिए, हमारे घर पे लोड रात को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम अभी भी पुराने ज़माने के फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैटरी पे लोड चलाना हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक फ़ैन ही 75 वाट का है, 3-4 फ़ैन आप चला दोगे 200-300 वाट लोड हो जाएगा, और बैटरी आप एक सिंगल रखोगे तो फ्रेंड कहाँ से लोड चलेगा। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप बैटरी बैंक बहुत बड़ा कर लीजिए बट बैटरी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर आप कोई नया मकान बना रहे हो तो आपके घर को इस प्रकार डिज़ाइन करो कि सोलर पर नाइट को वो स्टैंड कर सके। अगर 1 यूनिट की बात करें हम, अगर 100 वाट का एक बल्ब जलाएंगे हम, तो फ्रेंड वो लगभग उस पर 9 से 10 घंटे चल जाएगा आराम से। 150 Ah की बैटरी पे एक 100 वाट का बल्ब 9 से 8, 8 से 10 घंटे तक चल जाएगा। अगर हम वही बात करें कि अगर हमारे पूरे घर में हमने 3 BLDC फ़ैन चला रखे हैं जो कि 30-30 वाट के हैं, 90 वाट के, तो फ्रेंड एक सिंगल बैटरी से 3 BLDC फ़ैन 8 से 10 घंटे तक रात को चल जाएंगे।
तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, 2 से 3 फैन चलते हैं रात भर और कुछ एलईडी चलती है, तो वहाँ पे आप बड़ा बैटरी बैंक ले लीजिए 200 या 230 एच का, तो आपका रात भर काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको काम करना है, खुद सिस्टम में भी डिज़ाइन करना है, और जब भी आप मतलब एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हो तो स्विच को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सोलर सिस्टम से बिजली का बिल जीरो किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड, इसके दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी यदि बिजली का बिल जीरो करना है। घर को इस प्रकार डिज़ाइन करना है सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, BLDC फैन यूज़ कीजिए और LED आप यूज़ कीजिए, बट फ्रेंड और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज यूज़ कीजिए और बैटरी बैंक थोड़ा बड़ा रखिए, आप डबल बैटरी यूज़ कीजिए, तो फ्रेंड हो सकता है कि आराम से आपका लोड चल जाएगा। दिन रात ज़्यादा लोड मतलब कम से कम पावर कंजप्शन वाले डिवाइस अपने घर पर यूज़ कीजिए, और जैसे कोई बड़ा लोड है आपको चलाना है तो वो दिन के 12 बजे जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उसके बाद आप यूज़ कीजिए। तो बैटरी बैंक आप और भी बढ़ा ले सकते हो, 200-200 एच की 2 बैटरी लगा लो या 250-250 एच की 2 लगा लो, तो आराम से फिर आप डे नाइट को यूज कर सकते हो। बट आपको थोड़ा यूजेस का तरीका और साथ इक्विपमेंट भी एनर्जी इफिशेंट यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ग्रिड कनेक्शन कटवा दूँ? देखिए फ्रेंड, कटवा सकते हो बट उसके लिए पूरा घर मॉडिफिकेशन सोलर के अकॉर्डिंग हमें पूरा खुद को डिज़ाइन करना पड़ेगा। सोलर सिस्टम डिज़ाइन के साथ साथ खुद को, खुद के घर के सिस्टम को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम से अधिकतम आउटपुट कैसे ले? जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि आपको बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखना है और साथ ही अच्छे से जो साथ ही प्रॉपर डायरेक्शन प्रॉपर एंगल पर हमें सोलर पैनल लगाना है और हमें DC वायर का यूज़ करना है और हमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का वहाँ पे यूज़ करना है। और तो फ्रेंड आराम से आपका आउटपुट मिलेगा, और बैटरी बैंक बड़ा से बड़ा रखिए ताकि कोई भी एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं हो। जो एनर्जी हम अगर लोड नहीं चला रहे हैं तो वो बैटरी बैंक में स्टोर हो जाए, कोई भी एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा सिस्टम कितना आउटपुट देगा? देखिए 1 किलोवाट का अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है तो 50 एम्पियर देता है, और 24 वोल्ट का सिस्टम है तो फ्रेंड 2 का आप भाग दे सकते हो। अगर किसी ने MPPT इन्वर्टर लगा रखा है घर पे तो सोलर से उसके पास 24 वोल्ट के पैनल से 1 किलोवाट के सिस्टम से 25 एम्पियर आएंगे, जिसको डबल करके 50 एम्पियर कर देगा। और डबल बैटरी सिस्टम में 50 अगर आपने 2-2 पैनल सीरीज में लगा रखे हैं तो फिर उसमें 2 का भाग देना है, मतलब कि 12.5 एम्पियर सोलर से आएंगे 1 किलोवाट के। अगर 2 पैनल आपने सीरीज में लगा रखे हैं 500 वाट के 24 वोल्ट के, तो आपके डबल बैटरी सिस्टम पर केवल 12.5 एम्पियर आएंगे, वो बाद में डबल कर देता है, ऐसा नहीं है कि एम्पियर कम आएंगे। क्या सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? जी डेफिनेटली लगाना चाहिए, अगर कोई भी नया मकान या हाउस डिज़ाइन कर रहा है तो वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे एनर्जी इफिशियंट इक्विपमेंट घर पे यूज़ करने चाहिए। तो फ्रेंड ये था वीडियो, प्लीज़ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है सोलर से रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगा। और साथ ही फ्रेंड हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक लिंक दिया गया है जहाँ से आप एक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कई एक्सपर्ट लोग हैं और कई आपके आसपास के लोग भी हैं जो डिस्कशन चलता रहता है सोलर के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।